छात्रों नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कामना यादव, राजनीति विज्ञान विभाग। और आज जो है चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो सबसे पहले देखते हैं MAPS 108 और विषय राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खंड एक स्वरूप और उपागम, इकाई एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ स्वरूप एवं क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो कॉन्सेप्ट आया है तो ये तो बहुत बाद में आया है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। ये हम सिंधु घाटी काल में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उदय हुआ। जब हमारे देश में जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, अधिशेष मात्रा में हो रहा था, और जो है उसको ट्रेड व्यापार के माध्यम से हम जो है अपने देश के विकास को बढ़ाना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। तब हमने क्या किया, हमने अन्य देशों से जो है, जैसे कि अफगान है, ईरान है, दिलमुन है, मिस्र है, तो अन्य देशों से हमने जो है संबंध बनाए और जो है उसको व्यापार के माध्यम से हमने विकसित रूप दिया। और उस समय से ही, प्राचीन काल समय से ही सिंधु घाटी के सभ्यता के समय से ही ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे किसी भी देश का जो है व्यापार अधिक मात्रा में होता है और जो है तब उसको जाना जाता है कि जो है बहुत ज़्यादा वो विकसित अवस्था में है। तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के समय में ये हमने देखा कि जो है हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत मजबूती के साथ ऊपर को उभरा, और हमारे यहाँ पे जो एक्सेस मात्रा में जो प्रोडक्शन हो रहा था, गेहूँ, चावल, धान वगैरह जो भी है और मसाले, तो उसका जो हम जो है निर्यात कर रहे थे, और जो है बहुमूल पत्थर और रत्न, हीरे जवाहरात, ये सब चीज़ जो है घोड़े वगैरह का भी हम जो है बाहर से आयात कर रहे थे। तो आयात निर्यात के माध्यम से हमने जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करने का प्रयास किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो व्यापार हमारा ट्रेड हो रहा था, व्यापार हो रहा था, तो व्यापार जल और स्थल मार्ग से क्यों हो रहा था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज के वर्तमान युग में है। तो जल से और थल से हमारे जो है व्यापार का जो है वो ट्रेड व्यापार बहुत ही तेज़ी से उभर के आया, और व्यापार के माध्यम से हमारे देश को जो है विकास को गति मिली। फिर इसके बाद हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो है जल मार्ग का जो व्यापार था तो वो ज़्यादा ही सुरक्षित माना जाता था, ना कि स्थल मार्ग में क्या होता था, उस समय चोर, लुटेरे, डाकू वगैरह जो है उस पर जो है व्यापारियों पर अटैक कर देते थे। जल मार्ग का व्यापार सेफ माना जाता था, क्योंकि जो है चोर, डाकू, लुटेरे आदि जो है उस पर अटैक नहीं कर पाते थे, और स्थल मार्ग के व्यापार में जो है चोर, डाकू आदि जो है उस पर अटैक कर देते थे। तो जो है जो जल मार्ग का व्यापार था तो उसको जो है ज़्यादा सेफ जोन में माना जाता था। तो इसके बाद की अवस्था में हम देखते हैं कि उस समय जो है जो देश के आसपास के क्षेत्र थे उन्हीं से व्यापार होता था, और जो दूर दराज के जो देश थे उनसे व्यापार नहीं होता था, क्योंकि जो है विश्व के और अन्य देशों को पता ही नहीं था कि अन्य दूर दराज भी देश, अन्य देश बसे हुए हैं। फिर इसके बाद विदेशियों ने अमेरिका की खोज की, भारत की खोज की, भारत और अमेरिका की खोज की, तो व्यापारियों ने जब जैसे ही अन्य देशों की खोजें शुरू कर दिया तो उसके बाद से जो है एक जो है हम विकास की जो है एक तेजी देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम मजबूत गति से देखते हैं कि, और जो कि पहले प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे उसको हमने जो है एशियाई संबंध के रूप में हमने जो है उसको कॉन्सेप्ट दिया है कि जो है वो एशियाई संबंध होते थे, लेकिन जैसे ही विश्व के अन्य देशों की खोज होती है तो हम देखते हैं कि अन्य जो है देश
एक जुड़ाव होता है और उनमें से फिर व्यापार का जो मार्ग खुलता है, आपस में जो है संबंध होते हैं। उसमें जो है 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंतर्गत एक जो है रिवॉल्यूशन की तरह आ जाता है, जैसे कि औद्योगिक क्रांति हो जाती है, कला साहित्य विज्ञान आदि का जो है विकास अवस्था में पहुंच जाता है। तो जब इस समय हम देखते हैं कि संचार के साधन हैं, यातायात के साधन हैं, और जो है औद्योगिक क्रांति में जैसे ही क्रांति आ जाती है, तो वैसे ही हम देखते हैं कि विश्व की जगत में यह देखने को मिलता है कि एक अलग से जुड़ाव उत्पन्न होता है, और जो है व्यापार करने की, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की विश्व में सभी देशों के लिए होड़ लग जाती है। जैसे कि डच, डेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सब जो है व्यापार जगत में कदम रखते हैं और जो है भारत से व्यापार करते हैं, अन्य विश्व के अन्य देशों से भी व्यापार करते हैं, सभी विश्व के सभी देश उसको जो है व्यापार को जो है गति प्रदान करते हैं, और जो है एक व्यापार के माध्यम से हम जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही यातायात के साधन और जो है जल मार्ग, थल मार्ग और जो है सभी मार्गों का जिस तरीके जो है विकास हो जाता है, तो हम उसी प्रकार से अपने देश का जो है और सभी विश्व के सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के देश से जुड़ाव रखते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, व्यापार के माध्यम से अपने अपने देश का जो है विकास करने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम आगे चल के ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप और उपागम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप और उपागम कैसा है। तो इसमें हम देखते हैं कि आज जो है समाज वैज्ञानिक युग है, और इस युग में जो है हमारा मतलब पूरा विश्व जो है, जो हम पूरे ग्लोबलाइजेशन का युग है और इंटरनेट आदि की दुनिया की वजह से जो है पूरा विश्व सिकुड़ कर रह गया है, एक दूसरे से जुड़ाव उत्पन्न हो रहा है, और जो विश्व में जो भी गतिविधियां होती हैं वो एक देश में कोई गतिविधि होती है तो अन्य देशों तक भी उसका प्रभाव दिखाई देता है, बड़े पैमाने पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए जो है कोई भी देश उस पर जो है सहयोग करना चाहता है, ना कि युद्धरत रहना चाहता है। इसलिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे कि चाइना में जो कोरोना का जो कोरोना फैला, तो चाइना के शहर से होते हुए विश्व के अन्य देशों तक फैल गया। तो यही है जो आधुनिक युग की आज की टेक्नोलॉजी है, और जो है जैसे कि यातायात के साधन उन्नत अवस्था में है, एक दूसरे के देशों में जुड़ाव है, आवागमन रोजगार के लिए एक दूसरे के देश में जाते हैं, रोजगार के तलाश में जाते हैं और एक दूसरे से देशों से जो है जुड़ाव रखते हैं। तो इस वजह से जो है जो कोरोना का काल था, कोरोना का पीरियड था, तो कोरोना काल में हम देखते हैं कि चाइना से कोरोना निकल करके पूरे विश्व में जो फैल गया था, पूरा विश्व जो है इसकी चपेट में था, पूरा विश्व इसके लपेटे में आ गया था, भारत भी जो है अछूता नहीं था, भारत भी इससे जो है प्रभावित हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ था, लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी, यहाँ पे जो है आर्थिक मंदी की स्थिति को भी भारत झेल रहा है, आज भी झेल रहा है, कोरोना काल में आर्थिक मंदी आ गई थी और जो है आर्थिक मंदी की स्थिति आज भी जो है भारत झेल रहा है उसको। तो बहुत से विद्वानों ने तो यह भी यहाँ तक कह दिया है कि चीन की यह सोची समझी रणनीति थी, चीन नहीं चाहता था कि हमारी बराबरी कोई जो है विश्व का कोई देश करे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में चाइना आगे निकल जाना चाहता था और जो है वो नहीं चाहता था कि उसके बराबर कोई देश आए। तो उसकी एक सोची समझी रणनीति थी कि इस तरह से कोरोना का जो है प्रचार किया जाए, कोरोना को जो है सोची समझी रणनीति के तहत योजनाबद्ध के तरीके से जो फैलाया जाए और जो है फैला करके लॉकडाउन का जो सिस्टम है वो जो है दिखाया जाए और पूरे विश्व को जो है उसको जो है दिखाया जाए, ताकि जो है पूरा विश्व उससे जो है डर करके, सहम करके लॉकडाउन की स्थिति अपने अपने देश में कर दे, और जो है वहाँ की आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, तो विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था को जो है गति को धीमी कर दिया जाए। तो इसलिए
यह जबकि इसका कोई साक्ष्य सबूत नहीं है कि चाइना ने ऐसा सोची समझी रणनीति किया था, लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, क्योंकि और यह कहना सही भी नहीं है क्योंकि कोई भी देश इतनी बड़ी आपदा को अपने देश में योजनाबद्ध तरीके से नहीं ला सकता है। तो इस बात को जो है कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है कि चाइना ने ऐसा जानबूझ करके किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हम जो है उद्देश्यों के बारे में हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्यों में हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से विनाशात्मक परिणाम सामने आए थे, इसलिए युद्ध की नीति को त्याग करके विश्व के सभी राष्ट्र अपने अपने देश का विकास एक दूसरे के सहयोग और मैत्रीपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अधिक सक्रिय और जीवंत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अपने उपलब्ध शक्ति संसाधनों के द्वारा अपनी नीति और भूमिका का निर्धारण करता है। राष्ट्रीय हित की प्राप्ति की संभावना से ही राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के संपर्क में आते हैं, जैसा कि अभी इसमें मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय हित होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक देश, विश्व के सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों को अपने शक्ति के और संसाधनों के कारण को राष्ट्रीय हितों को जो है प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जब हमारे शक्ति और संसाधन देखते हैं कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे देश के शक्ति और संसाधन कम पड़ रहे हैं, तो जो है पड़ोसी देशों से, अन्य देशों से, दूर दराज के देशों से जो है संपर्क रखते हैं, ताकि जैसे कि हमारे देश में किसी चीज़ का प्रोडक्शन अधिक होता है, प्रोडक्शन अधिक हो रहा है तो उसको हम जो है निर्यात कर सके, और जिस चीज़ का हमारे यहाँ उत्पादन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसको जो हम अपने देश की आपूर्ति को आयात के माध्यम से हम जो है पूरा कर सकें। तो इसलिए जो है तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है रखते हैं। हमारा उद्देश्य ये है युद्ध की नीति को त्यागना है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें युद्ध की विभीषिका को देखते हुए यह देखा गया कि युद्ध इतना भयंकर होता है, उसमें कोई सिर्फ हानियां ही हानियां होती हैं और कोई किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। इसलिए सभी देशों ने युद्ध की नीति को त्याग दिया है और जो है सहयोग और मैत्रीपूर्ण भावना के साथ विकास करना चाहते हैं, आपस में जुड़ना चाहते हैं और जो है विकास करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो है आज के युग में जो है सैन्य शक्ति विश्व के लिए, पहले सैन्य शक्ति महत्वपूर्ण होती थी, तो लेकिन आज क्या हो गया है, आज जो है सैन्य शक्ति का स्थान आर्थिक शक्ति ने ले लिया है। तो इसलिए सैन्य शक्ति बढ़ाने की बजाय हम लोग अपने आर्थिक चीज़ों को जो है बढ़ाते हैं, क्योंकि आर्थिक चीज़ों को हम बढ़ाएंगे तभी हमारा देश संपन्नता की श्रेणी में आ सकता है, वरना हमारा जो है संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में देश नहीं आ सकता है। इसलिए एक दूसरे का सहयोग जरूरी है और युद्ध की नीति को त्याग दिया है। वैश्विक परिदृश्य में सभी विश्व के सभी देशों ने युद्ध की नीति को त्याग दिया है और सहयोग की भावना को जो है अपनाया है। सहयोग की भावना के साथ ही हम जो है अपने देश का, सभी राष्ट्र अपने हितों को साध सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ में हम देखते हैं, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक जेरेमी बेंथम ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका प्रयोग किया था, लेकिन उस समय जो है जब इसका प्रयोग किया गया था तो विधि के रूप में, एक ला के रूप में जो है इंटरनेशनल शब्द का प्रयोग हुआ था। लेकिन बाद में इसका प्रयोग बाद में किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रूप में इसका जो है प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं क्विंसी राइट के विचार में राजनीति प्रभावित करने और चालाकी की एक कला है, जिसका उद्देश्य अपने या अपने समूह के हित को दूसरे के हित की तुलना में आगे बढ़ाना है। पामर और पार्किंस का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अनिवार्यतः राज्यों की व्यवस्था से संबंधित है, जबकि हैंस मार्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पूरा विश्लेषण राजनीति संबंधों और शांति समस्या पर केंद्रित मानते हैं। तो ये जो है विचार हमारे जो है राजनीतिक वैज्ञानिकों ने दिए हैं, ये
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ को जो है उन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ क्या है, लेकिन इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत तीन तत्व प्रमुख होते हैं, राष्ट्रीय हित और शक्ति संघर्ष। तो सभी विश्व के सभी देशों के लिए जो है राष्ट्रीय हित सबके लिए है, राष्ट्रीय हित को साधने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि राष्ट्रीय हित को साधने के लिए सर्वप्रथम तो बातचीत और जो है समन्वय स्थापित करके एक दूसरे के सहयोग और शांति समझौते के तहत राष्ट्रीय हित को साधने का प्रयास करते हैं, राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय हित जैसे कि हमारे देश का ट्रेड व्यापार बढ़े और जो है जो भी किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो इन्वेस्टमेंट किया जाए, जिस माध्यम से भी राष्ट्र का विकास होता है हम उन माध्यमों का सहारा लेंगे, तो राष्ट्रीय हित यही होता है। और राष्ट्रीय हित यदि बातों से और समन्वय स्थापित करके और संधि समझौतों के साथ अगर हमारा राष्ट्रीय हित नहीं प्राप्त हो रहा है तो जो है हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का सहारा लेते हैं। जैसे कि आज जो है उदाहरण के तौर पर अमेरिका है, तो अमेरिका राष्ट्रीय अपनी शक्ति का सहारा लेता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का सहारा लेता है वो। जैसे कि किसी देश में जो है किसी देश को धमकी देना और किसी देश को अपने बातों को मनवाने के लिए फोर्स करना, किसी भी देश को उसके जो है नीतियों को परिवर्तित करने के लिए उस पर प्रेशर बनाना अमेरिका की जो है रणनीति में रहा है, तो अमेरिका जैसे देश राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद तीसरा तत्व है संघर्ष। संघर्ष जो होता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष हमेशा संघर्ष की अवस्था नहीं रहती है, संघर्ष के साथ साथ सहयोग की भी अवस्था रहती है। तो जो संघर्ष का वातावरण है तो एक प्रकार का ही संघर्ष का वातावरण नहीं रहता है। इस समय वर्तमान समय में कहा जा सकता है कि विश्व राजनीति में संघर्ष का वातावरण विद्यमान है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है ये दोनों देश युद्धरत हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इस समय संघर्ष का वातावरण व्याप्त है। और मैंने जैसा कि पहले बताया है कि सभी देश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे के यहाँ जा कर के राजदूतों की स्थापना भी की गई है। हर जो है विश्व के सभी देश एक दूसरे के देशों में जो है गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए अपने अपने राजदूतों की नियुक्तियाँ भी की हैं। तो इस तरीके से सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में अगर जैसे कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन और रूस ही इससे प्रभावित हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि महंगाई बढ़ रही है और यूक्रेन और रूस में यदि युद्ध चल रहा है तो वहाँ पे जो है लोगों का और देश के लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहाँ से जो है अन्य देशों को जो है तेल प्राप्त होता था, आयात निर्यात ये सब चीज प्रभावित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रभावित होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो है विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और किसी एक देश या दो देश में ऐसी कोई घटना या वारदात या इस तरह से युद्ध होता है तो सभी देश उससे प्रभावित होते हैं। सभी दो देशों को प्रभावित होना उस पर स्वाभाविक है, लाजमी है, क्योंकि एक दूसरे से सभी विश्व के सभी देश जुड़े हुए हैं। आगे इसके आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा। तो विभिन्न विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो है अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसा कि पहले नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के राजनीतिक संबंध और शांति की समस्या का अध्ययन है। किसने कहा है ये? हैंस जे मॉर्गेंथाउ ने कहा है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मत संबंधों का अध्ययन किया जाता है, चार्ल्स स्लीचर ने कहा है। और तीसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य व्यवस्था से संबंधित है, ये पामर और पार्किंस ने कहा है। इसके आगे देखते हैं
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर, इसको देखने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मतलब विस्तृत क्षेत्र है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक सब चीज़ का जो है जुड़ाव देखा जाता है। तो सब चीज़ में जैसे ही हम इसको बृहद कॉन्सेप्ट में लेते हैं, विस्तृत कॉन्सेप्ट में इसको लेते हैं, सभी प्रकार के संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत सभी प्रकार के संबंध आते हैं, जैसे कि राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, सभी प्रकार के संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आते हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि किस देश से हमारा कितना हित हो सकता है, क्योंकि जो है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि सभी देशों का प्रमुख लक्ष्य होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को साधना। तो अपने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध लोग बनाते हैं, एक दूसरे से जो है ट्रेड व्यापार को जो है बढ़ावा देते हैं, ताकि हमारा देश जो है विकसित अवस्था में पहुँचे और जो है हम अपने अपने देश का विकास कर सकें। तो विकास अकेले कोई देश अपने देश का विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि विश्व के सभी देशों में ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग अलग हैं। तो कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो इस वजह से वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से एग्रीकल्चर में भी हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं कि जो है कृषि से संबंधित जो उत्पादन है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि भारत में गेहूं, चावल और जो है चाइना में कपास अधिक मात्रा में होता है और अमेरिका में मक्का का अधिक उत्पादन होता है। तो जहाँ पे जिस चीज़ का उत्पादन कम हो रहा है तो वो दूसरे देशों से आयात करके अपने देशों की पूर्ति करते हैं और अपने देश में जो चीज़ की मात्रा का उत्पादन, जिस चीज़ का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है उसको जो है अन्य देशों में भेजने का प्रयास करते हैं, इसका आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। तो आयात निर्यात के माध्यम से, ट्रेड व्यापार के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। जो ही जितना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्राष्ट्रीय जगत में जितना ही हम देखते हैं कि व्यापार ट्रेड उन्नत अवस्था में है, मानव का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि उस देश का जो है उन्नत अवस्था में माना जाता है, उस देश का विकास उतनी ही उन्नत अवस्था में दिखाई देता है, माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी जिस देश का व्यापार ट्रेड और टेक्नोलॉजी में जो कोई देश अधिक होगा, आगे होगा, तो उसका जो है माना जाएगा कि वो विकसित देश की श्रेणी में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यही है कि जो है हम अपने देश के विकास को बढ़ाने के लिए हम जो है एक दूसरे के संबंध बनाते हैं, एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, ताकि हमारे देश का विकास हो सके और जो है हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकें। तो इसलिए अपने अपने जो है हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं और ट्रेड व्यापार आदि को जो है बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बने हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है और जो है IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब चीज़ें जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठन बने हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आते हैं। जो कोई भी देश अपनी विदेश नीति की जो है रचना करता है, अपनी विदेश नीति बनाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आता है। तो हम जो है अपनी विदेश नीति को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ही बनाते हैं। मैं चर्चा करना चाहूँगी कि जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी बार फिर से गुलाम ना हो जाए इस डर से, जो उन्होंने गुट निरपेक्षता का जो है
कॉन्सेप्ट दिया था और कई अन्य देशों ने मिलकर के गुट निरपेक्षता का जो है स्थापना किया था। और उन्होंने कहा था ना हम पूंजीवादी गुट में शामिल होंगे ना ही समाजवादी गुट में शामिल होंगे। उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था में, अपने भारतीय संविधान में और जो है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट रखा था उन्होंने, जो हमारे भारत की विदेश नीति उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट रखा था, ना हम अमेरिका से बुराई लेना चाहते थे ना ही हम रूस से बुराई लेना चाहते थे, और जो है हम दोनों के विरोधी नहीं होना चाहते थे, हम दोनों से ही, अमेरिका और रूस दोनों से ही हम अच्छे संबंध रखना चाहते थे। इसलिए हमने अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट रखा था, और जो है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण अपने अर्थव्यवस्था में हमने, अपने विदेश नीति में हमने शामिल किया था। तो एक जो है हमारी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया था, ना कि एक पूंजीवादी ना रहेगी ना ही समाजवादी रहेगी पूरी तरीके से, और जो है हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। तो ये हमारी विदेश नीति, और हमारी विदेश नीति में ये भी था, लिखा गया था कि हम सभी देशों से मिलजुल कर रहेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो है प्रयोग करेंगे, हम सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे, कभी हम जो है किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम तो गांधी के और अहिंसा के पुजारी हैं। तो अपने विदेश नीति में हमने इन्हीं सब बातों को हमने रखा था, और अपने विदेश नीति में जो हमने बातें रखा है उन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हुए आज के समय में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भी अमेरिका और रूस से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, दोनों देशों से, और जो है पूंजीवादी गुट से और समाजवादी गुट से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और दोनों से हम अच्छे संबंध रखते हुए हम विकास की गति को आगे दे रहे हैं, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्नत अवस्था में जा रहा है। आज जो है ट्रेड व्यापार उन्नत अवस्था में जो है जा रहा है, और जो हमारे जो है प्रधानमंत्री जी, तो उनकी जो है हमारे विदेश नीति की जो नीतियां हैं तो उनकी नीतियां बहुत ही अच्छी हैं, और जो है वो देश के विकास के लिए ही सारी नीतियों को बनाते हैं और जो है उसी को लागू करते हैं। तो अमेरिका और रूस दोनों से ही हमारे संबंध अच्छे हैं, और इस समय जो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था की देन ही है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय, और जो है आज की हमारी जो टेक्नोलॉजी है आज कितनी एडवांस हो गई है, तो हमारी जो विदेश नीति में जो हमने नीतियां बनाई थी उसी नीतियों के तहत ही, उसी का परिणाम है कि हम जो है विकास की उच्च अवस्था को हम जो है प्राप्त कर पा रहे हैं। नहीं तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत ही कंडीशन देश की ख़राब थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर थी। तो हमने इस प्रकार से जब विदेश नीतियां बनाए और जो है पहले के जो है सरकारों ने उसको फॉलो किया, उसको लागू किया, और अब की सरकारें भी उसी सिद्धांत पर चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो इसीलिए हमारे देश का ट्रेड व्यापार बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उद्योग धंधे टेक्नोलॉजी में आज जो है हमारे देश का जो है काफ़ी जो है उच्च स्थान प्राप्त हो रहा है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, कृषि विज्ञान और जो है कला क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में हमारा देश बहुत ही उन्नत ढंग से उन्नत कर रहा है। तो ये विदेश नीति के माध्यम से ही हम जो है ये सब चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है तो वह इस समय कुछ और है, पहले इसका स्वरूप कुछ दूसरा ही था, क्योंकि पहले जो है टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था और जो है ज़्यादा इस तरीके से जुड़ाव नहीं हुआ था जिस तरह से इंटरनेट की दुनिया में आज जो है जुड़ा हुआ है। तो स्वरूप पहले हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप संकुचित था, मतलब कि छोटा था। तो इसका मतलब ये कतई नहीं हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप छोटा था तो जो है विश्व के देश कम थे, और आज जो है स्वरूप बड़ा हो गया है तो विश्व के देश जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा जो 2-4 गुना देशों की संख्या बढ़ गई है, इस तरह ऐसा नहीं हुआ है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप संकुचित था। संकुचित का मतलब कि पहले लोगों को जो है अन्य देशों को पता नहीं था कि एक दूसरे से हम जुड़ाव रखेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि हमारा देश ही गुलाम नहीं था, बहुत से देश गुलाम थे, तो जो है किसी भी देश से जुड़ाव रखने में सशंकित से रहते थे कि कहीं फिर से गुलामी की अवस्था ना आ जाए, तो इसलिए अलग थलग ही रहना पसंद करते थे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जैसे स्थापना होती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रकार की गारंटी देने का प्रयास करता है कि हम सभी देशों के, विश्व के सभी देशों को सुरक्षा प्रदान करने की हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय जगत में विश्वसनीय साबित हुआ और जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तीसरा विश्व युद्ध शस्त्रों से नहीं लड़ा गया है, तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जगत में संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी संस्था बन गई है कि जो है सभी लोग उस पर विश्वास करने लगे हैं। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तब उसमें जो है बहुत कम देश शामिल थे, आज दोगुना तिगुना जो है तीन चार गुने उस पर जो है सदस्य हो गए हैं, तो लगभग कुछ देशों को छोड़ करके लगभग विश्व के जितने भी देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सदस्य हो गए हैं। तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसका स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो है राजनीति का बहुत बड़ा हो गया है हम कह सकते हैं, क्योंकि विश्व के सभी देशों को लगने लगा था कि जो है हम अलग थलग रह के अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं, और जब तक हम विश्व के, क्योंकि जो लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़े हुए थे उनका विकास हो रहा था, उनका ट्रेड व्यापार भी जो है अच्छे ढंग से उन्नत अवस्था में जा रहा था, तो उनको लगा कि जो है इसमें लाभ बेनिफिट्स हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ने से बेनिफिट्स हैं, इसलिए जुड़ना चाहिए हमको, तो इसीलिए सब देशों ने उसे जो है मेंबरशिप ले लिया और जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या जो है बहुत बृहद स्तर पर पहुंच गई है, विश्व के लगभग सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हो चुके हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक जो है बहुत बड़ी संस्था बन गई है, और संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक माध्यम है सभी देशों को जोड़ने का, सभी दो देश जो है उसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और आज इसके अतिरिक्त स्वरूप जो अंतर्राष्ट्रीय जगत का जो स्वरूप है उसको बढ़ाने में आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी का युग जो हो गया है, तो इस वजह से भी अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण भी हम जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है मजबूती से हम रहना चाहते हैं। जैसे कि आज अस्त्र शस्त्र हथियारों का जो युग है, टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में दिखाई देती है, जैसे कि ट्रेड व्यापार हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है, आज हवाई यातायात है जो है, और हर क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी का विकास देख रहे हैं, जैसे कि सभी देशों के पास आज जो है मारक क्षमता, पनडुब्बी आदि जो है बहुत विस्तृत मात्रा में एडवांस टेक्नोलॉजी का परिणाम है कि बहुत ज़्यादा विस्तृत मात्रा में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, और जो है बहुत टेक्नोलॉजी वो विस्तृत रूप से बढ़ गई है, तो देश जो है अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं, जैसे भारत कर रहा है, जैसे परमाणु क्षमता का विकास कर रहा है, तो अपने आक्रमण करने के लिए नहीं कर रहा है, वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा है कि अन्य कोई देश, क्योंकि जो है जैसे कोई निशस्त्र रहता है तो उस पर जो है जिसके पास शस्त्र नहीं है तो उस पर लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो विश्व जगत में ऐसा ही होता है, तो जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है वो जो है निम्न श्रेणी का माना जाएगा, और जो जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है तो पड़ोसी देश उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे और उस पर जो है प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए भारत परमाणु का परीक्षण किया है और जो है परमाणु परीक्षण और जो है शस्त्र अस्त्र शस्त्र आधुनिक तरीके से लैस बैस पनडुब्बियाँ हमारी लैस बैस हैं ताकि अन्य देश उस पर जो है आक्रमण ना कर सके, तो हम जो है इस तरीके से हम देखने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत तो इस प्रकार से हमारा जो है हम देखने को मिलता है कि जो है हम अपने
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत स्वरूप विस्तृत अवस्था में हमको देखने को मिलता है। प्रारंभ में हमने जैसे कि बताया कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कम सदस्य थे, अब जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और दूसरा कारण है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रेड, व्यापार, औद्योगिक धंधे सब जो है उन्नत अवस्था में हो गए हैं, तो जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है तो जो है उसका स्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसका स्वरूप बहुत बड़ा विस्तृत हो गया है। पहले की अपेक्षा में अब जो है उसका स्वरूप बहुत ज़्यादा विस्तृत दिखाई देता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या आता है इसके आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन है और विदेश नीतियों का अध्ययन है, शक्ति संरचना का अध्ययन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन है, क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सबसे पहले चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है। जैसे कि अभी चर्चा किया मैंने कि व्यवस्था हमको देखना है कि हमारे देश की व्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और जो है अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और रूस की समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो हमने दोनों के बीच का रास्ता अपनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, और जो है हमारी व्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अमेरिका की व्यवस्था पूंजीवादी है और रूस की समाजवादी है। तो इन दोनों को जो है हमने जो है मिश्रित रूप में अपनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है हमारी व्यवस्था जो है समाजवादी व्यवस्था है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर देखते हैं विदेश नीतियों का अध्ययन। विदेश नीति का अर्थ है कि जो हमारे देश की जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, एक तो राष्ट्रीय नीति होती है, एक जो है विदेशी नीति होती है। तो राष्ट्रीय नीति जो होती है तो राष्ट्र के पूरे राष्ट्र और पूरे देश के लिए नीति होती है, पूरे देश के लिए जो है नियम और जो है नीतियाँ बनाई जाती हैं, तो उसका पालन पूरे देश को करना होता है। लेकिन जो विदेश नीति होती है तो हमारे देश के की सरकारें विदेश नीतियाँ बनाती हैं, उन नीतियों को जो है विदेशी स्तर पर जो है हम लागू करने का प्रयास करते हैं। कि जैसे कि हमारी विदेश नीति के अंतर्गत यह कहा गया है कि हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे और जो है शांतिपूर्ण, हम अहिंसा, हम गांधी जी के जो है सिद्धांतों पर, मार्गों पर चलेंगे, हम जो है अहिंसा अपनाएंगे और हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। हम हाँ, विदेश नीति के अंतर्गत एक और बात यह कहा गया है, हमारे भारत की जो विदेश नीति है वो हम उसका पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अपने विदेश नीति में हमने यह कहा है कि हम चाहे जितना हम परमाणु परीक्षण कर लें, चाहे जितना हम जो है अपने पनडुब्बियों का विकास, अपनी सैन्य मारक क्षमता का विकास कर लेंगे, किंतु हम जो है किसी पर अटैक नहीं करेंगे। प्रथम बार हम पहले अटैक नहीं करेंगे। यदि कोई देश हमारे देश पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तब हम उसको अपनी रक्षा के स्वरूप जो है हम जो है उस पर आक्रमण करेंगे। हमारे विदेश नीति में यही है, जब हम सुरक्षा, जब हमारी खतरे में पड़ जाएगी तभी हम दूसरे पर जो है आक्रमण करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो यही है हमारे विदेश नीति, और जो है हम अपने भाईचारे का प्रयोग करेंगे, सत्य अहिंसा का प्रयोग करेंगे, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलेंगे। और हमारे विदेश नीति में है कि हम सभी से जो है सहयोगपूर्ण, मैत्रीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए आगे बढ़ेंगे। नंबर तीन में हम देखते हैं शक्ति संरचना का अध्ययन। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी से भी यदि हम मैत्री करने जाते हैं, एक जब छोटे स्तर पर मैत्री करने जाते हैं, तब भी हम देखते हैं कि हम पहले शक्ति के बारे में हम जान लेते हैं। किसी भी देश से यदि हमको मैत्री करना है तो वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ उसकी शक्ति के बारे में हमको जान लेना सही रहता है, क्योंकि हम जब तक उसके बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक ऐसे हम मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हम सशंकित रहेंगे कि इसके पास कैसी शक्ति संरचना है, कैसा स्ट्रक्चर है, और हम मैत्री करने
करने जा रहे हैं तो उसके प्रत्युत्तर में हमको जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन जो है हाँ वो हमारे साथ गलत बिहेव तो नहीं कर रहा है, मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है, जैसे हमारे भारत पाकिस्तान के संबंध है। तो पाकिस्तान के संबंध में ये हम देखने का प्रयास करते हैं कि हम जो है पाकिस्तान से हमेशा जो है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं और जो है हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं, क्योंकि जो है वो भरोसेमंद नहीं है कब अटैक कर दे। तो इस वजह से जो है हम जो है किसी भी देश का मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने के लिए हम जो है उस देश में जो है उसका शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब शक्ति का अध्ययन करेंगे तभी हम किसी देश से मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। नंबर 4 में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन में हम देखते हैं, उसमें यही जानने का प्रयास करते हैं कि उस में संगठन में जैसे कि कौन कौन से उसके अभिकरण हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी अध्ययन करना है सुरक्षा परिषद का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो यूएनओ में सबसे शक्तिशाली संस्था सुरक्षा परिषद है। तो आज हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 देश ही उसके जो है प्रमुख, सुरक्षा परिषद में कुछ कुल 5 देश ही मुख्य हैं और जो है वही मुख्य भूमिका में रहते हैं। सारे डिसीजन सारे निर्णय 5 देश ही स्थायी सदस्य ही लेकर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करना आवश्यक है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक बहुत ही अच्छी संस्था है जो कि पूरे विश्व की सुरक्षा का जो है जिम्मेदारी लिया है उसने। उसकी प्रमुख संस्था जैसे कि सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में प्रमुख जो है 5 सदस्य देश हैं जो कि स्थायी रूप से हैं, अन्य जैसे कि जो विकासशील देश हैं तो वो जो है इसके अस्थायी देश हैं। तो जो प्रमुख रूप से विकसित देश हैं तो इसके जो है 5 राष्ट्र हैं और वही जो है मेन रूप से सुरक्षा परिषद और जो है सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने का प्रयास करते हैं, वही निर्णय उनके मान्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम जो क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन देखते हैं, जैसे कि दक्षिण एशियाई संगठन सहयोग संगठन है, तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन दक्षेस की हम बात करेंगे, क्षेत्रीय संगठनों के अंतर्गत हम दक्षेस की बात करेंगे। दक्षेस के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो हमारे देश के आसपास के जो देश हैं तो हमारे देश के जो है संगठन के सदस्य हैं, और जो है क्योंकि हम जो है जो समस्याएं हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सुलझा सकते हैं उसको हम क्षेत्रीय स्तर तक सुलझा लेते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रों की समस्याएं होती हैं तो वो एक जैसी होती हैं, संस्कृति सभ्यता और जो आर्थिक कंडीशन सब जो है एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है और उसको जो हम क्षेत्रीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो हम जो है क्षेत्रीय स्तर का जो संगठन होता है तो उसको जो है मजबूत करने का प्रयास करते हैं और संगठन के माध्यम से ट्रेड व्यापार समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, ट्रेड व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तथा जो है क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से हम अपने अपने राष्ट्रों का विकास जो है करना आवश्यक समझते हैं। इसके बाद 6वें नंबर पर आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत 3 कानून आते हैं, एक तो जो है युद्ध काल का कानून और दूसरा शांति काल का कानून, तीसरा तटस्थता का कानून। तो युद्ध काल का कानून इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे कि युद्धरत है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है नियम कानून इस तरह से बनाया है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन ने जो है बनाया है कि एक यदि कोई आक्रमण किसी देश पर करता है तो अन्य देश उस पर जो है जो सदस्य देश होंगे तो उसकी सुरक्षा करेंगे और मिल करके उस देश पर आक्रमण करेंगे। तो इस तरीके और जो है कोई जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य का देश है यदि सदस्य है और जो है इस प्रकार से किसी देश पर अटैक करता है तो उसको संयुक्त राष्ट्र संघ से उसकी जो है सदस्यता भी समाप्त करने का प्रावधान है। तो 3 कानून में हम यही देखते हैं, ये युद्ध वाला एक कानून हो गया और जो है एक शांतिकाल का कानून है। शांतिकाल का जो अंतर्राष्ट्रीय
तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शांति काल के कानून में हम देखते हैं कि शांति की पूर्ण शांति की जब अवस्था रहती है तब हमारा जो है कोई भी देश को किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ उस पर जो है प्रतिबंध किसी प्रकार का नहीं लगाता है और जो है ट्रेड व्यापार ये सब उन्नत अवस्था में रहता है, एक दूसरे से के यहाँ आवागमन होता रहता है शांति की अवस्था में, एक दूसरे के देशों में आवागमन है, आने जाने की कोई मनाही नहीं है। और जो है हम जो है शांति काल के कानून में हम ये भी देखते हैं कि ट्रेड व्यापार को जो है बढ़ावा मिलता है, संधियां समझौतों को जो है पूरा जो है सम्मान मिलता है, संधि समझौते के माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तटस्थता का कानून एक है, एक तटस्थता का कानून है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर एक तटस्थता का कानून है। ये जैसे कि कहा गया है कि कोई भी देश यदि जैसे कि रूस और यूक्रेन में जो है युद्ध छिड़ा हुआ है तो इस जो है इस तटस्थता का कानून जो है यहाँ पर लागू हो सकता है, क्योंकि जैसे कि रूस ने कहा है कि भारत को कि आप जो है हमारा सहयोग करिए, तो भारत ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो तटस्थता का कानून है तो भारत तटस्थ है, ना तो यूक्रेन की तरफ से बोल रहा है ना ही रूस की तरफ से बोल रहा है, भारत एकदम तटस्थ है, मतलब कि बीच में है, किसी की तरफ किसी के पक्ष में ना बोलना तटस्थता में आता है। तो हमारी मर्जी है, हम जो है किसी के साथ दे सकते हैं, किसी का साथ नहीं भी दे सकते हैं, यह हम तटस्थता बनाए रहेंगे, हम किसी के पक्ष से नहीं बोलेंगे, तो ये हमारा जो है तटस्थता का कानून है। सब कोई भी देश संप्रभु देश होता है और अपने मर्जी से रहता है, अपने इच्छा के मतलब कि अपने देश का जो कानून है संप्रभु है, किसी और देश का उसके यहाँ पे कोई जो है इंटरफेयर नहीं होता है, हर देश जो है अपना अपने तरीके से संप्रभु होता है, तो अपने अपने देश का कानून अपने तरीके से बना सकते हैं। कोई भी देश नियम बना करके यह नियम बना सकता है कि हम तटस्थ रहेंगे और किसी भी देश के युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह फ्रीडम दी गई है कि जो है तटस्थता के कानून के तहत कोई भी देश तटस्थ रहेगा और कोई भी देश उस पर जो है आक्रमण में भागीदारी ना हो तो वो तटस्थता बनाए रखेगा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक है, फिर इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तो नमस्कार, धन्यवाद।